मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्योंकि मंच पर सभी नेता मौजूद हैं। मंच पर भाषण चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, और जो जो वहां पर समर्थक है उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जाइए क्षेत्र में और महागठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। मोदी को हटाइए इस बार, किसी भी तरह मोदी टारगेट पर है, और मोदी के खिलाफ आप लोग जो कैंपेन कीजिए, बताइए मोदी किस तरह जो है सो जुमलेबाजी की सरकार थी, किस तरह 15 लाख आपके अकाउंट में आने थे वो नहीं आए, किस तरह जो काला धन था वापस लाने की बात की थी वो अभी तक नहीं हुआ, तो किस तरह किसानों को उनको लाभ नहीं मिल पाया है। इन सारे बातों को वो कह रहे हैं कि जो जुमलेबाजी की सरकार थी उनको जनता तक पहुंचाइए, और मोदी को इस बार हटाने के लिए वो एक मजबूत सरकार के गठन की बात महागठबंधन के नेता वहां से कर रहे हैं। चिंता की बात करते हैं, फौज और सैनिक की बात करते हैं, यही समझ में आता है। एक विद्वान ने कहा है कि जब राजा या कोई भी उसका शासक फेल होता है विकास कार्यों में, तब वो एन प्रकार से भावात्मक मुद्दा उठा करके आगे चलता है। आज वही स्थिति है, इसीलिए आप लोगों से हम लोग अनुरोध करना है, ये गरीबी निकालने का नाम लिया और न भ्रष्टाचार निकालने का काम किया। और दूसरी चीज, खास करके बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दिया है। हम आप लोगों की तरफ से और अपनी ओर से उनको विजय भवा क्या एक आशीर्वाद और शुभकामना हम देते हैं। कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज महागठबंधन और एक तरफ एनडीए है और ईडी और इनकम टैक्स, आओ ना मेरे घर में कार्यालय खोल लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? हम पे तो मुकदमा किया जब मुझको नहीं था 13 साल की उम्र में, तो ज्यादा कुछ हमने कही। देखिए, जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख तय होता है, सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से। आप बताइए, हमारे पिता ने आज तक संप्रदाय शक्तियों से मनुवादियों से समझौता किया? कभी नहीं। आज बाल पक गया आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन आज भी वो लड़ाई लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? बताओ, अस्पताल में बीमार है गरीब चाचा, हमारा छापा पड़वा रहे भैया, सृजन घोटाला हो गया, छापे नहीं पड़ते उनके। मतलब नीतीश जी का तो पाप धूल ना गया बीजेपी में, बीजेपी में चले जाएंगे तो राजा हरिश्चंद्र ना जाइएगा तो आप पे केस भी बाजे। दंगाई में दम नहीं कि दंगा फसाद और हमारे भाईचारा को विकास, ये जानते थे। आप समझिए कि लालू जी को सोता था लोग केस मुकदमा जेल में कर करके डरा देंगे, लेकिन इनको पता नहीं इनके गिदड़ बकरी से हमारे पिता डरने वाले नहीं, हमारे पिता शेर है। और समझ जा भाई, अगर ये गलत फैमिली में है मनुवादी लोग भजपैया, अगर यहाँ भी, बल्कि जो जेल मैनुअल है, जेल बैठ प्लीज, जो जेल मैनुअल है सुपरिटेंडेंट जो होता है जेल का, उसको अधिकार है कि अगर परिवार का सदस्य और खास तौर पे जब बीमार है तो ये सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो समय और सीमा तय कर दे। परसों हमको नहीं मिलने दिया गया समय, ठीक है, लेकिन कल सुबह लगातार हम फोन करते रहे सुपरिटेंडेंट को, लेकिन फोन नहीं उठा है। कल सुबह भी हम कोशिश की कि सुबह सुबह मुलाकात हो जाए, कैसे आगे तक बात कीजिएगा आप समझिए। परसों हम रांची गए थे, झारखंड में अपनी पार्टी दो जगह से चुनाव लड़ रही है, चतरा और पलामू। बहुत दिन हो गया था हमको अपने पिता से मिले हुए, हमारे पिता बीमार हैं, उनके साथ साजिश हुआ, उनको जनता से दूर किया गया, पार्लियामेंट से दूर किया गया, रांची में
जेल में बंद किया गया और वो बीमार है तो वहां अस्पताल में भर्ती है। डेढ़ महीना से आप उनसे मिले नहीं। पर्चा भरने का काम किया है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये हम सब लोगों ने फैसला लिया है कि दरभंगा सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को टिकट दिया और ये चुनाव चुनौती है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। एक हमारे अभिभावक पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबों के चहेते उम्मीदवार जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, आलोक कुमार मेहता जी, पार्टी के सभी विधायकगण समय नहीं पार्टी के सभी विधायकगण चाची चाचा धन्यवाद। आप लोगों की अनुमति हो तो हम सिद्दीकी जी को विजय का माला पहना दे। मोदी जी को बढ़ा जाएंगे तो नौजवान भाई सुन लो, ये पूरा सरकारी नौकरी खत्म करके पूरा प्राइवेट के हाथ में दे देंगे, इसलिए सावधान रहना। बिहार पुलिस का क्या काम होना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? अपराधी को पकड़ देंगे, हत्यारों को पकड़ देंगे, रेपिस्ट को पकड़ देंगे, लुटेरों को पकड़ देंगे, चोर मवालियों को पकड़ देंगे, कई लोग ढूंढने चल रहे हैं कि शराब पिया। बिहार का अपराध बढ़ेगा ना जब पुलिस शराबे को पकड़ेगा, शराबी को, बाकी अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप बालू बंदी करा दिए, सब मजदूर के पेट पर लात मार दिए, हम पूछते बालू महंगा हो गया? आप चीने तीर है, चाकू ने तीरे लेकर पीठ पे घूमते रहते। तो आप बात समझिए भाई, क्या काम किए तो शराब बन। हम मानते हैं कि दशा मुक्त भारत होना चाहिए, सब लोगों को समझाने की जरूरत है, लेकिन हम आपसे पूछते शराब चालू है कि बंद है? चालू है। नहीं 200 का बोतल 1500 में, उनको 1500 और 200 में जो अंतर है 1300 का चाचा के साथ में। हम निराश दुखी थे, हमारे पिताजी कहते बेटा निराश मत होना, निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना, आज हम अपने मालिकों के बीच आते हैं। और आप जानिए डीएनए के क्या हुआ, आप और बहुत कुछ बाकी है। अभी जुमले बाजी अच्छे दिन 15-15 लाख रुपया 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, घर का सफाई, क्या क्या नहीं, बिहार का बोली लगा रखे। आप बात समझिए, ये अपने आप को नोटबंदी याद है, सारा पैसा जमा करवा दिया बैंक में, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, विजय माल्या लेकर के भाग गया सारा बैंक में पैसा, इसीलिए नोटबंदी हुआ था ताकि नीरव मोदी लेके भाग जाए। असम मोदी जी का भी आदमी कैसा चौकीदारी भाई, ऐसा चौकीदार देखा क्या? तो आप लोग जानिए ये बड़बर मोदी और गड़बड़ मोदी है, इनके झांसे में नहीं आ रहा है। हमारे चाचा पंटू चाचा कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी।
आज डीएनए मैच हो गया है। चाचा केस मुकदमा छापा करा, लेकिन हम तो छापे देखते हुए बड़े हुए हैं। खाली हम ही के घर पर छापा, हम तो कहते भैया सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स आओ ना मेरे घर में कार्यालय खोल लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? हम पे तो मुकदमा किया जब पूछो नहीं था 13 साल की उम्र में, तो ज्यादा कुछ हमने कही। देखिए जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख तय होता है, सीधा फैसला होता है। मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट www.mithilamanchnews.com खोलिए, ऊपर में आप एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा, आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारे। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एमके शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था, संपर्क करें रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट बिसरटोला दरभंगा। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने, बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में, इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2 न्यू दिल्ली, सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक, जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीपी पाकर दरभंगा, सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा, निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा।